पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में नागेश्वर कॉलोनी के जय अपार्टमेंट में शनिवार की शाम अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब 20 वर्षीय छात्रा जो है वो छत पे चढ़कर ये बोलने लगी, मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी। और हालांकि 10 मिनट तक ये बोलने के बाद वो कूद गई। एक युवक था जिसका नाम है प्रेम, उसने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चौथे तल्ले से गिरने के बाद जब प्रेम ने उस लड़की को कैच किया तो अनबैलेंस हो गया, और जिसकी वजह से उसके पैर में भी चोट आई है। साथ में जो लड़की अनन्या है उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर जो परिवार है वो निजी अस्पताल में अनन्या को भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जय अपार्टमेंट में दूसरे तल्ले में ही अनन्या का परिवार रहता है, उसके पिता टीचर हैं, दो भाई हैं और एक माता है। दरअसल बात यह है कि अनन्या को 12वीं में क्रॉस लग गया है और वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। साथ में माँ के साथ बकझक भी होते रहती थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और जब उस शाम माँ के साथ बकझक हुई तो वो छत पे चली गई और छत पे जाके कहने लगी, मैं कूद जाऊंगी। जब वहाँ के नीचे से लोगों ने बोला, क्या तुम पागल हो, तो उसने कहा, हाँ मैं पागल हूँ, अब मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। और लगातार 10 मिनट तक ऐसे बोलने के बाद वो कूद गए। इसके साथ ही इस घटना की सूचना मिलने के बाद विधि व्यवस्था के DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद, थानेदार पिंकी प्रसाद समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि बच्ची ने जिस वक्त छलांग लगाई उस वक्त एक युवक द्वारा बच्ची को कैच कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं 20 वर्षीय छात्रा की स्थिर जो अभी स्थिति है वो खतरे में है, क्योंकि उसके सर में काफ़ी गंभीर चोट लगी है। साथ में जिस तरीके का ये पूरा माहौल बन गया, इलाके में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आने लगे। अब वो निजी अस्पताल में एडमिट है, अब देखना होगा कि उसकी हालत में क्या कुछ सुधार आता है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।